हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूकेजी के चैनल में। और फिर से मैं आ गया हूँ नई गुड न्यूज़ के साथ आप सभी के लिए। 245 नई जॉब्स का ऐलान किया है यूकेएससी ने 14 नवंबर 2017 को, और इन्होंने रिलीज़ करे दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट जो कि हैं आपके 198 पोस्ट के लिए और हैं आपके 47 यानी कि 47 दूसरी पोस्ट के लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या हैं वो जॉब्स और जिस पे आप हो सकते हैं एलिजिबल फॉर्म फिल करने के लिए। इसकी जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 नवंबर 2017 और ये चलेगी आपकी 30 दिसंबर 2017 तक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2017। तो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो इन्होंने पोस्ट रिलीज़ करी 198 पोस्ट और वो है आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और आपकी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट पे। तो जो यहाँ पे पहली पोस्ट है वो आपकी असिस्टेंट फूड प्रोसेसिंग इंस्पेक्टर के लिए है। नंबर पोस्ट ऑफ 13 है इसमें, और इस पे जो रिक्वायर्ड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस पे चाहिए आपको बीएससी जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि बीएससी कृषि विज्ञान के साथ, और होना चाहिए आपके साथ कोई भी पीजी डिप्लोमा इन फूड प्रिजर्वेशन पे या फिर एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो जो यहाँ पे अगला जो पोस्ट है वो है आपकी 139 पोस्ट के लिए जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इस एडवर्टीजमेंट के अंदर, और इस पे भी चाहिए आपको बीएससी जूलॉजी या फिर आपके पास चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, और होनी चाहिए अगर इसके अलावा आपके पास है बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री तो भी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। और जो है आपके लिए अगली पोस्ट वो है आपकी 44 पोस्ट के लिए, और जो कि आपके सेम है इस पर भी सेम चाहिए आपको बीएससी जूलॉजी और या फिर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है। और जो है इस पर हनी डेवलपमेंट इंस्पेक्टर यानी कि इस पर दो ही पोस्ट हैं और इस पर बीएससी जूलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। फॉर्म फिल करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 नवंबर 2017 से जो कि चलेगी आपकी 30 दिसंबर 2017 तक। तो आप सभी को काफ़ी लंबा समय दिया गया, लगभग 45 दिन का समय दिया गया इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप 300 रुपये में आप इस एडवर्टीजमेंट के अंदर दी हुई की सभी पोस्टों को फिल कर सकते हैं सिर्फ 300 रुपये दे के, यानी कि वन पेमेंट एंड यू कैन फिल मल्टीपल पोस्ट। और जो उसकी सिलेबस है उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका सिर्फ इसी से ही जुड़ा हुआ आएगा यानी कि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान से ही जुड़ा हुआ आएगा। और जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी हॉर्टिकल्चर की थी या फूड प्रिजर्वेशन या फूड टेक्नोलॉजी में जिन्होंने किया था तो उसी से ही जुड़ा हुआ इस पर क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। और जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वो बोलते हैं कि करंट अफेयर्स आएगा, उत्तराखंड की जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, तो वो चीज़ें इनमें नहीं आने वाली है। हालांकि इसका भी एग्ज़ाम का डेट जो है अभी फिक्स नहीं किया गया है कब इसके एग्ज़ाम्स होंगे, मगर आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स तो शायद हो ही जाएंगे जिस तरीके से अभी समय यूकेएससी करा रहा है। तो जो यहाँ पे अगले एडवर्टीजमेंट है वो अगले एडवर्टीजमेंट है आपका 16/2017। ये एडवर्टीजमेंट है आपके लिए सेम है आपके लिए जिन्होंने की है बीएससी इन फिजिक्स और मैथ्स, तो उनके लिए ये काफ़ी खुशखबरी है। वो फिल कर सकते हैं आपके फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पे और या फिर आपके कर सकते हैं पुलिस के दूरसंचार विभाग पे। इस पोस्ट की जो ऑनलाइन डेट है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 नवंबर 2017 और जो कि चलेगी आपकी 30 दिसंबर 2017 तक। और इसके लिए जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो आपकी 21 साल से लेके आपके 28 साल तक है, मैक्सिमम आपके 28 साल है। जिनकी एज 28 साल से ऊपर है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और एडिशनल अगर कोटा है, अगर आपकी एज घटती है तो आप यकीनन इसको फिल कर सकते हैं। आप जा सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट के अंदर, उसका एडवर्टीजमेंट का लिंक मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सिंपल जाके इस पूरे एडवर्टीजमेंट को एक बार फिल करने से पहले इसको पूरी तरीके से चेक करें। तो इस पे जो पहली पोस्ट है आपकी है आपकी फायर सेकंड ऑफिसर के लिए जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 13, और इस पे जो आपका कंपलसरी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी बीएससी है और वह होना चाहिए आपको पीसीएम के साथ। 6 मंथ का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है कंप्यूटर में। और जो नेक्स्ट है वो आपके रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 11 है और बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स होना ज़रूरी है। और इस पर आपको कोई कंप्यूटर या एडिशनल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रेडियो सेंटर ऑफिसर है आपका, वो भी सेम पुलिस में ही है। तो ये जो लास्ट की दो जॉब्स हैं वो पुलिस के अंदर ही, पुलिस संचार विभाग, तो ये काफ़ी काम आती है आपातकालीन में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो ये वाला डिपार्टमेंट होता है। तो इस पर भी आपको बीएससी फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए।
तो जो उसका सिलेबस होगा, उसका सिलेबस भी वही होगा आपका एजुकेशन के बेसिस पे, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स साइंस पे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपके जैसे कि फिजिक्स के वेव्स हैं, जो क्योंकि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो चैनल्स पे काम करता है, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके बीएससी में, उसी सरफेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि इन्होंने एक और नई चीज़ इंक्लूड करी है, क्योंकि नई चीज़ तो नहीं है लेकिन मैक्सिमम कई सारे एग्जाम्स पे होता है। इसमें इन्होंने आपके फिजिकल भी मांगा है, तो फिज़िकल आपके फिटनेस किस तरीके की, आपकी फिजिकल बॉडी, तो उसके लिए भी इन्होंने अलग अलग मापदंड सेट किए हैं। जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ये जो पोस्ट है सिर्फ पुरुषों के लिए है, मतलब इसको मेंस भर सकते हैं, वुमेन्स इसके लिए अप्लाई ना करें। तो जो इनके लिए हाइट वगैरह है 167 सेंटीमीटर इन्होंने रखी है, और पर्वती के लिए 162। तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, और आप इसके लिए अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वीडियो को, तो इस वजह से मैं जो इम्पोर्टेंट बातें थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। तो बने रहिए मेरे से चैनल के साथ, और अगर आप चाहते हैं नई वीडियोस के साथ अपडेट रहना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।